नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में बात करने वाले हैं बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर लोकसभा सीट से इस बार कौन जीतकर पहुंचेगा सदन? यहां पर सीधी टक्कर बीजेपी, आरजेडी और जेवीपी के बीच। अश्विनी चौबे बीजेपी की तरफ से यहां उम्मीदवार बनाए गए हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और अनिल कुमार जेवीपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इन तीनों के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि सीधे फाइट है बक्सर लोकसभा सीट पर। अगर 2014 के चुनाव परिणाम पर आप एक बार नजर डालें, जब बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू उस वक्त एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तो यहां से अश्विनी कुमार चौबे को 3,19,012 वोट मिले थे, जबकि जगदानंद सिंह को आरजेडी की तरफ से, ये उस वक्त भी उम्मीदवार थे, उन्हें 1,86,674 वोट मिले थे। ददन यादव एक बड़ा नाम बक्सर में, उन्हें 1,84,788 वोट मिले थे, ये बीएसपी की तरफ से 2014 में उम्मीदवार थे। और श्याम लाल कुशवाहा जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,17,012 वोट मिले थे। इस बार यहाँ के जो समीकरण है वो बदल गए। ददन यादव इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, जेडीयू अब बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में क्या बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना इतिहास दोहराने वाली है, या इस सीट पर 2014 से चुनाव लड़ रहे जगदानंद सिंह वापसी करेंगे? बक्सर लोकसभा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है अश्विनी चौबे वर्सेस जगदानंद सिंह और अनिल कुमार के बीच में। देखना यह है कि क्या जगदानंद सिंह यहां पर महागठबंधन के जो वोटर हैं, जो माई समीकरण है, जो सहनी वोटर हैं, जो कुशवाहा वोटर हैं और जो मांझी वोटर्स हैं, क्या वो उसको एक साथ करने में सफल हो पाए हैं, या अश्विनी चौबे बक्सर लोकसभा की सीट से एक बार फिर जीतने वाले। लाइव सिटीज ने सीट पर एग्जिट पोल किया है और लाइव सिटीज के कलेक्ट किए हुए सैंपल के अकॉर्डिंग बक्सर लोकसभा की सीट से एक बार फिर से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। यहां से अश्विनी चौबे एक बार फिर से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, जगदानंद सिंह यहां से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के पास यह सीट फिर से नहीं जाने वाली, 2014 के ही तरह इस बार भी सीट से आरजेडी को नुकसान होने वाला है। महागठबंधन के हाथ से बक्सर की सीट निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी फिर से इस पर कमल खिलाने में सफल रही है। अश्विनी चौबे एक बार फिर से चुनाव जीतकर सदन पहुंचने वाले हैं। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में बक्सर लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपने शहर के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।